सो गाइस फिलहाल तो देखो पवन की आखिरी एग्जाम खत्म हो गई भाई, और पवन का खुशी देखो। यस, अगला पेपर क्या का? छुट्टी का। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिलहाल जा रहा हूँ बच्चों को स्कूल छोड़ने जाने के लिए, और आज है पवन की आखिरी एग्जाम टेंथ की। मेरी हालत देख के थोड़ा सा खराब लग रहा है क्योंकि रात में नींद पूरी नहीं हुई। मैं मुश्किल से 3 घंटे सोया हूँ। इनको छोड़ने के बाद आऊंगा तो वापस से सोऊंगा। 8:10 हो रहा, धूप देखो कितनी तगड़ी वाली हो रखी है, ऊपर तक देखने की इच्छा नहीं कर रही है। जे ने गाड़ी साफ कर दी है, लेकिन देखो थोड़ा सा सीट छोड़ दिया यहाँ पे। तेरी आज की लास्ट एग्जाम है, तो कल का थंबनेल लगाएंगे कि फाइनली है ना कि पवन की एग्जाम खत्म हो गए। मैं जब तेरे सेंटर के बाहर खड़ा हूँ ना, तो तू पोज मारना, मैं तेरी ना फोटो खींच लूंगा छुपके से। पवन का क्या, एक मस्त वाला एक फोटो लेंगे वहाँ पे, और तेरे कुछ दोस्त लोग होंगे ना, उनको भी बोलना कि साथ में आ जाओ, तो उनपे क्या एरो लगा दूंगा मैं। तो फिलहाल चलता हूँ गाइस को स्कूल नहीं, सेंटर छोड़ने के लिए। सेंटर जा जरूरी है। चालू करके देख ले इसको, चालू हो रहा ना। हाँ, हो गया। अब क्या आगे जाएगा कि हो गया? अब क्या टोपी लगाना थोड़ा कम कर रहा हूँ, बाल बड़े हो रहे धीरे धीरे। पहले बाल क्या बहुत ज्यादा छोटे हो गए थे, इसलिए टोपी पहनना पड़ता था। बैठ गया पवन, बहुत सारी जगह ना पीछे भी तो बैठ गया। चलो फिर आगे का ब्लॉक पवन संभालेगा। आगे आग जल रहा, बगल में गाड़ी ने रास्ता ब्लॉक कर रखा। कोई बात नहीं, हम इसके पीछे पीछे निकल जाएंगे। वैसे भी 10 मिनट पहले निकले तो आराम से चलेंगे, लेकिन ये वाली गाड़ी है ना कचरा उड़ाते उड़ाते चल रही है यार। अभी तो 10 मिनट है, तो आराम से पहुंचेंगे पवन के सेंटर पे। निकिता और के को स्कूल पे छोड़ा, उसके बाद पवन के सेंटर पे जाने में मैंने 10 मिनट लगा दिए। कितना स्लो गाड़ी चला रहा हूँ। 8:22 पवन को सेंटर पे लेके आ गया। 8 मिनट अभी भी है। एडमिट कार्ड, घड़ी पेन लेना। इस रोड पे भीड़ रहती है क्योंकि है ना हमारे इधर का ही मेन रोड है दिल्ली जाने वाला। तो फिलहाल तो ना गाइस मैंने पवन को छोड़ दिया उसके सेंटर पे, और गाड़ी मुझे फ्यूल भरवाना, मगर अभी तो है तो एक दो चक्कर लग जाएगा। 11:24 हो गया, तो फिलहाल तो भाई लंच कर लेते हैं, फिर 10 मिनट बाद जाएंगे पवन को लाने के लिए। गाइस देखो ये बंदा है ना, मेरा ब्लॉग देख के एमपी से यहाँ तक आ गया, वो भी बिना कॉल बिना कुछ के। देख सकते हैं मेरा ब्लॉग कितना फेमस हो रहा है। ये बंदा आया देखो भाई मेरे घर तक। अभी देखो इसने अपना मुंह छिपाने के लिए रुमाल बांध लिया। एमपी से आया है बंदा मेरा ब्लॉग देख के। थोड़े बहुत सब्सक्राइबर दूर दूर तक है अपने वाले। मम्मी आ गई भाई खाना लेके। चावल खाएगा क्या? आज इसको हम खिलाएंगे हमारा बिहारी वाला खाना, ये भुजिया, ये नमकीन सब्जी, दाल रोटी। 11:40 हो गया, खाना खाने के चक्कर में लेट हो गया, फटाफट मेरे को जाना पड़ेगा पवन के सेंटर तक। सो गाइस फिलहाल तो देखो पवन की आखिरी एग्जाम खत्म हो गई भाई, और पवन का खुशी देखो। यस, दोनों बंधु लोग देखो खुश है, और वेरी वेरी खुश। एग्जाम के लास्ट दिन देखो बच्चे है ना इतनी खुशी से गए आज घर पे, इतनी खुशी से उनका क्या टेंशन फ्री हो गया ना। तो गाइस फाइनली हो गई पवन की एग्जाम आज खत्म, और इसी खुशी में देखो आज पवन को है ना महंगी वाली बादाम से पिलाऊंगा। वो जो आगे भाई साहब जा रहे हैं ना, वो पिछले 10 मिनट से मेरे आगे चल रहे हैं, और वो ऐसे एक कान पे फोन लगा के बात कर रहे हैं। 2-3 बार तो मेरी गाड़ी के सामने आ गए। बादाम शेक तो नहीं, मगर गन्ने का जूस तो पिला ही सकता हूँ कम से कम, क्योंकि बादाम शेक वाला भी ठेला लगा भी नहीं होगा शाम को लगता है। इसके चेहरे की स्माइल तो देखो आज। अगला पेपर क्या का? हम लोग जब आखिरी पेपर होता था ना, तो हम लोग सारे दोस्त आधा घंटा टाइम पास करते थे, 10-20 मिनट लेके आते थे ना, उसे चीज खाते थे हम लोग। नहा लिया तुम लोगों, तो इसकी सफाई करना फटाफट, मार्केट चलना अपन, थोड़ा जल्दी काम करो यार। मैं नहा धो के कब का फ्री हो गया। तूने सुबह भी नहाए था रे, फिर दोबारा नहारा, वो भी इतने पानी से, भी नानी देख लेगी तो इतना लड़ेगी ना भी। 5:55 हो गया, तो फिलहाल तो जा रहे मार्केट। पवन के चेहरे की खुशी देखो भाई, अलग ही है ना, पढ़ने का टेंशन ना कुछ का टेंशन, इतना से जाएंगे इतना से आएंगे। मैंने कुछ दिन पहले बोला था कि इस रोड पे फोड़ा फोड़ी चल रही है, देखो फोड़ी दिया आखिरकार में। अब फोड़ दिया तो सही है, लेकिन बना भी दे तो अच्छी बात है। अब तो हम भी ऐसे क्रिकेट खेलने की सोच सकते हैं क्योंकि हमारी टीम फ्री होगी ना। अब बस के की एग्जाम बची है, तो उसकी भी 4-5 मुश्किल से एक हफ्ते में एग्जाम खत्म हो जाएगी। यहाँ पे ना गाइस अभी एक एक्सीडेंट हो गया, दो बाइक आपस में भिड़ गई, ये वाली बाइक और ये वाली बाइक, मगर गनीमत है किसी को कुछ हुआ नहीं, बस दोनों फेंका गया, उधर फेंका गया किधर फेंका गया। एक्सीडेंट होता हमने देखा था, मगर उस टाइम हमारा कैमरा बंद था। अब यार अगर मैं ऐसे धीरे चल रहा हूँ और सामने से कोई बंदा तेज गाड़ी लाके मेरी गाड़ी में ठोक देता, तो उसमें हमारी गलती नहीं है ना। वैसा ही वहाँ पे हुआ, अभी हमारे सामने एक्सीडेंट हुआ था। फिलहाल तो हम लोग चलते हैं मार्केट, ऐसी चीजें तो होती रहती दिन भर में, बस सावधानी बरतनी चाहिए। आप इंजॉय कीजिए हमारा रोड, और देखिए कितनी भीड़ बढ़ गई यहाँ पे। बहुत तगड़ी वाली भीड़ है, अच्छी खासी वाली है, बाइक वगैरह का भी जाम लग जाता है कभी कभी तो। और ये गाय माता ऐसा रहेगी तो भीड़ तो ऐसे बना ही रहेगा, क्योंकि आधा रोड तो ये लोग कैप्चर कर लेती है। फिलहाल तो सबसे पहले क्या करता हूँ, गाड़ी पेट्रोल डालता हूँ, पेट्रोल बिल्कुल कम है, इसी वाले पेट्रोल पंप से भरवा लेता हूँ, इस पे भीड़ कम होती है अक्सर। सब जगह भीड़ चलती है आजकल तो, पेट्रोल पंप भी 5 मिनट बाद ही नंबर आता है। पूरे मंडी में घूम के थोड़ी सब्जी ली हमने, यहाँ से लिया जाएगा भाई राशन का सामान। अंदर आते एसी का मजा लग गया, ये वाला ले लेते हैं, जितना सामान लेना होगा सब भर लेंगे। अब स्टार्ट करते हैं सामान लेना। चाय पत्ती, पापड़, 2 पैकेट नमक, पंखे की हवा खाने के लिए पंखे के नीचे रुक गया, माचिस, कोकोनट ऑयल, नहाने का साबुन, कोलगेट, शक्कर, घी। बिलिंग हो रहा है, इतना लंबा बिल फटा और इतना सारा सामान आया। घर वालों के लिए पानी पूरी पैक करवा लिया, और खुद के लिए मीठी फ्री की। गला तो हमारा भी सूख रहा है, तो हम भी थोड़ा सा क्या फालूदा का सेवन करेंगे। सुबह मैंने बोला था कि पवन को फालूदा पिलाऊंगा, तो उसकी
ख्वाहिश अब जाके पूरी होगी। इसको आज बर्गर खाना, हेल्दी चीज छोड़ के ये अनहेल्दी जंक फूड लेना लगे। कोई बात नहीं, बच्चा है। हाँ खा ले, भूख मिटा ले तेरी। एक बर्गर बनाना भैया। मैं तो बादाम शेक पीऊंगा भाई, मेरा फेवरेट तो यही है। इसको खाने तो जंक फूड खाए तो खाए। तो फिलहाल खाना आ गया भाई। डिनर में क्या है, टमाटर की चटनी और अंडे की भुर्जी जैसा कल भी था। चपाती है, चपाती में बटर कम है। बिछाने का ले क्या? 9:22 हो गया भाई, डिनर हो गया कंप्लीट। और गाइस देखो, इस हाथ में थोड़ी चोट लग गई है अभी। थोड़ा सा क्या, मैं लाइट वाइट चालू कर रहा था, टी शर्ट पहन रहा था ना, तो आंख में चोट लग गई। अभी एक इन्विटेशन आया हुआ था, मतलब किसी के प्रोग्राम था, जाना था, तो मैं गया नहीं क्योंकि मुझे सुबह उठ के फिर वीडियो एडिट करना पड़ता है, तो फिर मैंने स्किप कर दिया प्लान को। मैंने उनको बोला मेरी तबीयत खराब है। लेकिन गाइस कल तो कमाल ही हो गया। कल रात में 9 एक भाई मेरा ब्लॉग देख के मेरे घर तक पहुंच गए। बहुत बड़ी बात है भाई, और उनके लिए थैंक यू जो भाई मेरा ब्लॉग इतना अच्छे से फॉलो करते हैं। तो ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखे। फिलहाल तो क्या करते हैं, ब्लॉग का एपिसोड करते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। अब के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। अब देखो मुंह दिखाने में ना शर्म आ रहा, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि बंदा मेरा ब्लॉग देख के आ गया और डायरेक्ट बाहर आके मुझे रात में बोल रहा भाई मैं सरप्राइज हो गया। मैंने कहा अचानक, तो कह रहा भाई तेरा ब्लॉग में से एड्रेस देख के निकाल के पता नहीं कैसे कैसे करके घर तक आ गया बंदा यार।